कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का और यूपी के प्रयागराज में माघ मेले ने नई फिक्र और बढ़ा दी है। गंगा सागर मेले के लिए आए 4 साधु तो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इससे एक नया खतरा भी पैदा हो गया है। कल हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ गंगा सागर मेले की इजाजत दे दी थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले में कल शाम तक कोरोना के जो 112 सैंपल लिए गए उनमें से 4 साधु पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि कोरोना संक्रमित हैं वो सभी। और अभी तो यहां लाखों श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है, तब क्या हालात होंगे ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सीएम ममता बनर्जी एक तरफ मेले के आयोजन पर अड़ी रही तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी का रोना भी रो रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोविड जैसे आ रहा है, अगर एक अस्पताल में 75 डॉक्टरों को कोविड हो गया तो हम ट्रीटमेंट कैसे करें। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट में गंगा सागर मेले पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दी गई थी, लेकिन उससे पहले ममता सरकार ने अदालत में हलफनामा देकर अड़ंगा लगा दिया और कह दिया कि टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक मेले में सारे इंतजाम होंगे, वहीं कोरोना फैलने नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ इस मेले की इजाजत दे दी।